गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं ज्योति मैम के प्यारे प्यारे बेबीज? अच्छे हो? वेरी गुड, ज्योति मैम भी बहुत अच्छी हैं। आपको पता है ज्योति मैम आज क्या सिखाएंगी? आज मैम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी सिखाएंगी। मैम सिखाएंगी आपको कि हम हैंड का यूज करके, हैंड प्रिंट करके एक फिश कैसे बनाते हैं। आपको फिश बनानी सीखनी है ना? मैम आपको आज एक बहुत इजी टेक्निक सिखाएंगी, आपको वो फॉलो करके फिश बनाना सीखना है, फोटो क्लिक करनी है और ज्योति मैम को शेयर करना है। ओके, सबसे पहले आपको एक वाइट शीट लेनी है और उसे स्पॉन्ज की हेल्प से पूरा वेट करना है। अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो, ओके? बट पेपर को बहुत अच्छे से वेट करना है, बट रब नहीं करना है वरना आपका जो पेपर है वो ख़राब हो जाएगा। अब आपको बहुत पतला पतला ब्लू कलर लेना है, ब्लू कलर में थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लेना और फिर ब्रश की हेल्प से आपको ऐसे वेवी लाइन्स बनानी है। और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो मम्मा आपका हैंड होल्ड कर लेंगी और आप मम्मा के साथ ऐसे वेवी लाइंस बनाओगे, ओके? बट आपको ये एक्टिविटी खुद करनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये कलर स्प्रेड करने में, क्योंकि जब आपकी शीट वेट होगी और उसके ऊपर आप पेंट लगाओगे तो कलर आपका स्प्रेड होगा और जब वो कलर स्प्रेड होता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप खुद से करना, ओके? जब आप ऐसे ब्लू कलर लगा दोगे सारा, तब आपको ब्रश और पेंट साइड में रखना है और पेपर को ऐसे हिलाना है उसको, ताकि जो हमारा ब्लू कलर है वो पूरी शीट पर स्प्रेड हो जाए, एकदम वाटरी वाटरी इफेक्ट आ जाए, ओके? फिर वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब थोड़ी देर हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद हमें अपने हैंड के ऊपर रेड कलर का पेंट लगाना है, ओके? आप किसी प्लेट में पेंट लोगे, फिर आप अपने हैंड को उसके ऊपर टच करोगे, उससे बेटर है कि आपका पेंट वेस्ट ना हो, आप अपने हाथ पर पेंट लगाओ, ओके? तो जितने पेंट की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही पेंट यूज़ होगा, प्लेट में निकालने से कलर वेस्ट होगा, ठीक है? क्योंकि हमें एक सिंगल इम्प्रेशन चाहिए। अब आप अपने हाथ में बहुत अच्छे से रेड कलर का पेंट मैम ने यूज़ करा है, आप अपनी चॉइस से कोई भी पेंट लगा सकते हो, ओके? जब आप पेंट लगा लोगे बहुत अच्छे से, और बहुत पतला पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करोगे, ओके? फिर पेंट लगाने के बाद अपने हाथ को शीट के ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और थंब को थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है? और थोड़ी देर तक उसको प्रेस करना है दूसरे हाथ से, बट आपको अपना हैंड उठाना नहीं है, ठीक है? जब अच्छे से इम्प्रेशन आ जाएगा तब आप अपना हैंड उठाओगे। वाओ, कितना अच्छा इम्प्रेशन आया है ना? अगर कहीं थोड़ा सा रह गया तो आप इसे फिंगर से लगा दो कलर। वाओ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना? अब आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे। ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब आपको अपने ऑयल पेस्टल्स यूज़ करने हैं और अपनी फ़िश की आइज़ बनानी है। कलरफुल आइज़ बना सकते हो, टू कलर्स यूज़ कर सकते हो, या फिर एक सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैम ने ब्लैक कलर से आउटलाइन की, अंदर येलो कलर फिल किया, ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर मैम ने उसके अंदर एक और ब्लैक स्पॉट बना दिया तो मैम की कलरफुल आई बन गई। अगर आप भी ऐसे कलरफुल कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप एक ब्लैक डॉट भी लगा सकते हो। अब आपको ब्लैक कलर से ऐसे स्माइल बनानी है जैसे ज्योति मैम ने बनाया है, और अपनी फ़िश को डेकोरेट करने के लिए आप उसमें कुछ पैटर्न्स बना सकते हो, डिज़ाइंस बना सकते हो, ज़िगज़ैग बना सकते हो, लाइंस बना सकते हो, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो, ओके? देन इट विल लुक वेरी नाइस। मैम ने वाइट कलर भी यूज़ किया है क्योंकि मैम को येलो एंड वाइट बहुत पसंद है। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर्स ले सकते हो जो आपको अच्छे लगते हो, ठीक है? उसके बाद में मैम ने उसके ऊपर कुछ डॉट्स बनाए हैं ताकि हमारी जो फ़िश है वो ब्यूटीफुल लगे। अगर आपको डॉट्स बनाने का मन नहीं है, आप कोई और शेप बना सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैम येलो कलर से ऐसे राउंड राउंड सर्कल्स बना रही हैं तो आपको भी येलो ही यूज़ करना है, और मैम ऐसे राउंड राउंड सर्कल बना रही हैं, आप स्टार बना सकते हो, आप ज़िगज़ैग लाइंस बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको फिंगर पेंट से ही डॉट्स लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हो। इट्स योर क्रिएटिविटी कि आप अपनी फ़िश को कितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, ठीक है? जैसे ज्योति मैम ने अपनी फ़िश बनाई है कलरफुल प्रिटी, आप ही अपनी सुंदर सी फ़िश बनाओगे और ज्योति मैम को शेयर करोगे, ओके? जब आपकी फ़िश रेडी हो जाएगी
तो आप बैकग्राउंड में से वेवी लाइंस बनाओगे। आपको थोड़ा सा वाटर का भी इफेक्ट देना है ना, फिश तो हमारी वाटर के अंदर होती है, तो आपको ऐसे वेवी लाइंस भी बनानी है। तो जो आपने पहले पेंट किया था उसके ऊपर जब आप इसे लाइन बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है, और आपकी कॉम्पोजिशन रेडी हो जाएगी। आप लाइट ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास टू कलर्स हैं, और टू कलर्स नहीं हैं तो आप ओनली डार्क ब्लू भी कर सकते हो। ओके, फिर ज्योति मैम को पिक्चर क्लिक करके भेजना, मैम आपको बहुत सारे स्टार्स देंगी। ओके, बाय बाय।